गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी क्या हाल चाल विशाल पवन दीपक शाम दर्शन, हार्दिक भूषण ईशान, आरुषि। हम्म हाल चाल बहुत बढ़िया है बस बढ़िया रहने चाहिए चलो जी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स जिसमें कल हमने डिस्कस किया था कोड ऑफ एथिक्स के बारे में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंप्लाई करने हैं वेदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज इन सर्विस और इज इन पब्लिक प्रैक्टिस कौन से थ्रेट्स हैं जो वो फेस कर सकता है इन कंप्लायंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल वट आर द सर्कमस्टांसिस दैट आर क्रिएटिंग द थ्रेट एंड वट आर द सेफ गार्ड दैट कैन बी अप्लाइड सो एज टू एड्रेस द थ्रेट तो अब उसी के आगे कॉन्टिन्यूएशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनओसीएलएआर। सी एल ए आर इसकी फुल फॉर्म वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दट इज नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस नाउ अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की और एक स्टैंडर्ड एस ए टू हंड्रेड फिफ्टी को साथ में कंसीडर करके चले गए जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमारे से किस एक्सपर्टीज की एक्सपेक्टेशन की जाती है दैट इज अकाउंटिंग फिनेंस टैक्सेशन ऑडिट इंटरनल कंट्रोल एटसेट्रा क्वेश्चन अराइज होता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे यदि हम कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या हम अपनी पब्लिक प्रैक्टिस के दौरान किसी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं एश्योरेंस सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो यदि हमारे सामने क्लाइंट का या एम्प्लॉयर का कोई रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस नजर आता है तो बताओ हमारी क्या ड्यूटी बनती है इन जनरल आर वी कंसर्न विद सच नॉन कंप्लायसेस क्या लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस यदि नहीं की गई है बाय आर क्लाइंट और बाय द एम्प्लॉयर तो क्या हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज को गवर्नमेंट को आईसीएआई को इनको इन्फॉर्म करना चाहिए बताइए यदि हमारे सामने ऐसी कोई भी नॉन कंप्लायंस आती है जवाब आया जी जी सर बिल्कुल करना चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है वी आर विद बट यदि उन लॉ का मेरी प्रोफेशनल असाइनमेंट से कोई लेना देना ही ना हो तो बट मेरे सामने वो लॉ आ गया नॉन कंप्लायंस आ गया देन सो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस चीज को इन्फॉर्म करें नहीं नहीं इन जनरल रूल आता है नहीं रीजन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी का वी आर रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क मैटर टू रेगुलेटरी अथॉरिटी तो यदि कोई लीगल या रेगुलेटरी नॉन कंप्लाइंस हमारे सामने आता है तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग टू हंड्रेड फिफ्टी है वो कहता है कि आप इसके इंपैक्ट को देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इसके क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इसके कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहे आप उनको इग्नोर करो साइड करो आगे बढ़िए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती लेकिन आज की डेट में यदि हम बात करते हैं तो हमारे से एक्सपेक्टेशन है स्टेक होल्डर्स की स्टेक होल्डर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एज ए चार्टेड अकाउंटेंट हमारे सामने यदि कोई नॉन कंप्लायसेस आता है किसी लीगल या रेगुलेटरी प्रोविजन का तो हम उसके ऊपर रिगार्डिंग तो फिर एक कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ इंटरनेशनली कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जिसका नाम था नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन सो ड्यूरिंग योर पब्लिक प्रैक्टिस और एज ए सीनियर एम्प्लॉय ऑफ अ एंटिटी यदि आपके सामने अपने क्लाइंट का या फिर अपने एम्प्लॉयर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंसेस आपके सामने आता कंप्लाइंस ड्यूटी इट इज योर ड्यूटी टू टेक दोप्रियट स्टेप सो एन ओ सी एल ए आर को एज सच लॉ के अंदर नहीं लिखा गया कहीं पर ज्यादा बट कहां पर लिखा गया इसको कोड ऑफ एथिक्स के अंदर इस चीज को कवरअप कर दिया गया तो अब हमें no का जो कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू आया है उसको स्टडी करना है कि एनओ सी एल ए आर बेसिकली है क्या और एप्लीकेबिलिटी आती है क्या एक्शन लेना चाहिए यदि हमारे सामने कोई नॉन कंप्लायंस आता है तो उस नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग हमें किन किन चीजों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए एंड हाउ दिस एन सी एल ए आर प्रोविजन आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग टू हंड्रेड फिफ्टी अब जरा थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो टू हंड्रेड फिफ्टी है उसके साथ डिफ्रेंस करके चलते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कब अप्लाई होते हैं बताइए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कब अप्लाई होते हैं सो so, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं तो हमारे ऊपर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होते हैं हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर करना है कंप्लाई करना है बट ट इज आर ऑब्जेक्टिव वाइल कैरिंग आउट एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मुझे जवाब देंगे हमारी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वट इज आर ऑब्जेक्टिव बताइए एज पर एस एड टू हंड्रेड चलेंगे थोड़ा सा टेक्निकल आंसर दो जी कृष्णा टू फॉर्म मैन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईशान ट्रू एंडलोर रीजनेबल एश्योरेंस रीजनेबल एश्योरेंस श्रुति रीजनेबल एश्योरेंस बिल्कुल सही एस एड टू हंड्रेड कहता है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मेटीरियल मिस स्टेटमेंट वेदर कॉज ड्यू टू फ्रॉड एंड एर सो टू टू हिम एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाई गई है या नहीं बनाई गई तो मुझे एज ए ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस लेना है एबसोल्यूट एश्योरेंस की तरफ मैं नहीं चलता तो उसी के रेफरेंस में जब एस ए टू आता है वो कहता है कि लॉ एंड रेगुलेशन के रेफरेंस में आपकी जिम्मेदारियां दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं एक तो वो लॉ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्कलोज़र्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है तो दो लॉ दैट डायरेक्टली अफेक्ट द अमाउंट एंड डिस्कलोजर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर टू सेकेंड कैटेगरी ऑफ लॉ जो डायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं करती बट दे इनडायरेक्टली अफेक्ट द अमाउंट एंड डिस्कलोजर तो सारे लॉ को दो कैटेगरी में बांट दो कैटेगरी वन दो लॉ दैट डायरेक्टली डिटरमिन द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैटेगरी टू

कौन सी कैटेगरी ऑफ लॉ के लिए मैं सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करूंगा कि ये लॉ कंप्लाई हुए हैं कैटेगरी वन लॉ जहां पर डायरेक्टली अमाउंट एंड डिस्क्लोजर डिटरमिन होते हैं या कैटेगरी टू के लिए बिल्कुल सही जवाब वन 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 बिल्कुल करेक्ट रिप्लाई दिया सबने कैटेगरी वन के लिए मैं सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करूंगा क्या ये लॉ कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए कैटेगरी टू के लिए मैं लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूं टू डिटरमिन कहीं कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है लिमिटेड प्रोसीजर कंप्लायंस के सबूत इकट्ठे नहीं करता तो जस्ट मैं लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करके प्राइमा फेसी एक ओपिनियन बनाने की कोशिश करता हूं कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है कोई नॉन कंप्लायंस नहीं आया इट्स ओके okay, आगे बढ़िए के सबूत इकट्ठे करने की जरूरत नहीं होती so, तो आप एक में कंसर्न है लिमिटेड मैनर में एस दो सो पचास के अंदर यू आर नॉट कंसर्न विद ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर यू आर नॉट कंसर्न विद द पब्लिक लेकिन यदि आप एनओ सी एल ए आर की बात करते हैं नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन ये सिर्फ फाइनेंशियल मैटर को डील नहीं करता नॉन फाइनेंशियल को भी डील करता है ये शेयर होल्डर के साथ साथ क्रेडिटर को गवर्नमेंट को जनरल पब्लिक को भी अपने कंसीडरेशन में लेकर के बात करता है तो यहां पर आपको एनओ सी एल ए आर के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर चीज कवर नहीं होती तो किसका स्कोप वाइड हो गया एनओ का स्कोप वाइड हुआ या का स्कोप वाइड हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है राइट right. एनओ का स्कोप इन कंपेरिजन टू एस ए टू फिफ्टी इज वेरी मच ब्रॉड वेरी मच वाइड एसई 250 का स्कोप लिमिटेड है नाउ अब क्वेश्चन अरइज होता है एनओसीएलएआर की एप्लीकेबिलिटी क्या है एनओसीएलएआर की एप्लीकेबिलिटी राइट नाउ लिमिटेड है यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी लिस्टेड एंटिटी में सीनियर पोजीशन पर एज ए की मैनेजरियल पर्सन एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं तो आपके ऊपर एनओसीएलएआर अप्लाई होगा इन आप पब्लिक प्रैक्टिस में हैं और आप किसी लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हैं जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है देन ओनली एनओसी एलएआर की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर अप्लाई होगी अदरवाइज एनओसी एलएआर की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल नहीं सो एनओसी एलएआर का कॉन्सेप्ट ब्रॉड है लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है यदि आप ऑडिट कर रहे हैं एक लिस्टेड एंटिटी की जिसकी नेटवर्थ दो सौ पचास करोड़ से ज्यादा है और या फिर आप एज ए की अंदर तो एनओ सी एल ए आर की प्रोविजन अप्लाई प्रैक्टिस में क्या लिमिट है टू फिफ्टी करोड़ नेटवर्थ यदि आपके क्लाइंट की नेटवर्थ टू फिफ्टी करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है देन आपको एनओ सी एल आर अप्लाई करना है ईशा राइट तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं और डिस्कशन साथ साथ चलाते रहेंगे बात कर लेते हैं सबसे पहले मीनिंग की Of omission or commission intentional or unintentional. Which are contrary to prevailing laws and regulations committed by. या तो आपके क्लाइंट ने किया यदि आप पब्लिक प्रैक्टिस में हैं और प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन मींस एम्प्लॉयर उसने किया इधर क्लाइंट और एम्प्लॉयर टीसी और मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट और एंप्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन या एनी अदर इंडिविजुअल वर्किंग फॉर द क्लाइंट और एंप्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन सो सबसे पहले तो यह डेफिनेशन हमारे सामने आ गई कि एनओ सी एल ए आर बेसिकली है क्या so N O C L L R is an act जहां पर जो चीज आपको करनी चाहिए थी law के according but नहीं की गई उसको omit कर दिया गया या गलत तरीके से किया गया so any act of omission or commission whether it this act is carried out intentionally or unintentionally that is contrary to the

ऑडिट असाइनमेंट्स सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिंग केएमपी की मैनेजरियल पोजिशन होल्ड करता है की मैनेजरियल पर्सन ऑडिट असाइनमेंट तो एप्लीकेबिलिटी आएगी यदि आप ऑडिट कर रहे हैं लिस्टेड एंटिटीज इन इंडिया हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के केस में If they आर being employees ऑफ लिस्टेड entities तो यदि आप ऑडिट कर रहे हैं एक लिस्टेड एंटिटी की जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है और आपके सामने किसी लॉ एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस आती है तो एनओसीएलएर का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा नौ क्या लॉ एंड रेगुलेशन के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं सोचिएगा समझिएगा जवाब दीजिएगा जल्दबाजी मत करिएगा एज ए चार्ट अकाउंटेंट एज ए ऑडिटर हम एक लिस्टेड एंटिटी में जिसकी नेटवर्थ थ्री हंड्रेड करोड़ रुपीज की है ऑडिट कर रहे हैं क्या मुझे एनओ सी एल ए आर के लिए एज ए इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट काम करना है एज ए कंप्लायंस ऑफिसर की तरह से लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायसेस को चेक करना है या फिर एज ए ऑडिटर मैं काम कर रहा हूं तो मैं ऑडिट की तरह से ही ऑडिट के प्रोसीजर्स को अप्लाई करूंगा और उस प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते वक्त मेरे सामने कोई नॉन कंप्लायंस आ गया then, तो मैं उसके ऊपर नॉन की रिपोर्टिंग करूंगा पर दो पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं पहले तो फैक्ट देख लीजिए आप ऑडिटर हैं एक लिस्टेड कंपनी के जिसकी नेटवर्क थ्री हंड्रेड करोड़ है तो एनओ सी एल ए आर अप्लाई होता है ऑप्शन वन आप सिंपल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और कोई नॉन कंप्लायंस सामने आता है तो एनओ सी एल अप्लाई करोगे ठीक है परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर एंड अप्लाई एनओ सी एल इफ एनी नॉन कंप्लायंस इज बीइंग आइडेंटिफाइड ऑप्शन बी वर्क एज एन इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट फॉर एनओ सी एल ए आर रिक्वायरमेंट कंप्लायस अब बताओ सिंपल ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपके हैं वो परफॉर्म करेंगे और आपके सामने कोई नॉन कंप्लायंस आ गया तो उसके ऊपर एनओ सी एल ए आर की रिपोर्टिंग करोगे ऑप्शन वन या एज ए इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट आप लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायसिस को चेक करेंगे पूरी डिटेल जवाब आया ऑप्शन ए ए ए ऑप्शन uh, बी स्वाति बेटा गलत ऑप्शन बी नहीं कृष्णा ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन ए सबसे पहला फैक्ट क्या था आप ऑडिटर हैं जब आप ऑडिटर हैं तो आपका ऑडिट का अपना एक दायरा होता है अपना एक स्कोप होता है तो उसी स्कोप के अंदर रहते हुए ही आप एनओ सी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं एज ए ऑडिटर आप इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट की तरह से काम नहीं करेंगे मैं इसका आपको एक नोट लिखवाता हूं नोट एनओ सी एल ए आर Will be applicable if a professional accountant is made aware of known compliance. और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायस इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेस टू द क्लाइंट और Employing organization. He is not required to investigate and not responsible for. Ensuring compliance of law and regulations. So, NOC LAR. Ki एप्लीकेबिलिटी कब एराइज होगी यदि आपको किसी नॉन कंप्लायंस के बारे में पता चलता है इन द कोर्स ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू द क्लाइंट और द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन तो जैसे इसके ऊपर यदि मैं मान लीजिए कोई एमसीक्यू फ्रेम कर देता हूं और उस एमसीक्यू के अंदर मैंने एक ऑप्शन डाल दी कि इफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज मेड अवेयर ऑफ नॉन कंप्लायंस नंबर दो इन्वेस्टिगेट द मैटर्स रिलेटेड टू नॉन कंप्लायंस इन जनरल रिक्वायर टू एंश्योर कंप्लायस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन एंड डी ऑल ऑफ दी पॉइंट में से चार पॉइंट बनाकर ऑप्शन डाल दी कि एनओ सी एल ए आर विल बी एप्लीकेबल इनकेस पहला पॉइंट मैंने ये डाल दिया इफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज मेड अवेयर ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस दूसरा पॉइंट मैंने डाल दिया ही इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लायंसेस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन तीसरे पॉइंट में डाल दिया ही इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन और फोर्थ में डाल दिया ऑल ऑफ द अबव तो इसका आंसर आएगा सिर्फ ए बीसीडी नहीं आएगा तो जो एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट की वो यही है कि जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आपकी क्रैमिंग मैटर नहीं करती राधर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैटर करती है एक एमसीक्यू को सॉल्व करने में एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में इसी तरह से मान लो अब मैं एक और एमसीक्यू बना देता हूं ध्यान दीजिएगा मैं एमसीक्यू बना रहा हूं इस वर्ड के ऊपर कि एनओसीएलएर एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स ऑफ अ लिस्टेड एंटिटीज़ इन इंडिया हैविंग नेटवर्थ ऑफ टू फिफ्टी करोड़ रुपीस और मोर चलो मैं एमसीक्यू बनाता हूं और आप सोचकर उसका जवाब दीजिएगा वाइल Sharing out audit of X Limited having net worth four hundred ninety crore shares listed on New York Stock Exchange. Mr. Rohit Sharma, the auditor, finds non compliance with certain laws applicable over the X Limited. एडवाइज मिस्टर रोहित एज टू रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विथ ए Requirements of NOC LAR as specified in Code of Ethics. Requirements of SA two hundred fifty both A and B. ईदर ए और बी जी बताइए हां जी ईशान ए राहुल ए कृष्णा क्या कह रहे हैं एनओ सी एल आर इज नॉट एप्लीकेबल एज एंटिटी इज लिस्टेड आउटसाइड इंडिया राइट बी बी इज द करेक्ट आंसर रीजन एनओ सी एल आर अप्लाई नहीं होगा क्यों अप्लाई नहीं होगा ईशान ऑप्शन डी भी नहीं आएगा एसए 250 की कंप्लायंस नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे उसको तो मुझे इंश्योर करना ही करना होगा इधर कैसे चल सकता हूं और एनओ सी एल ए आर के रेफरेंस में देखिए एंटिटीज लिस्टेड इन इंडिया नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा तो मैंने आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा कर दी लिस्टेड र्ड यूज कर दिया बट इंडिया की जगह न्यूयॉर्क डाल दिया मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं डाला रागर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज डाल दिया तो एनओसीआर तो अप्लाई नहीं हुआ अप्लाई क्या हुआ एस ए दो सौ पचास ओनली ओनली में जाने की जरूरत है एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए तो कई बार ऐसे एमसीक्यू बना दिए जाते हैं जिसमें एक बड़ा छोटा सा पॉइंट यूज किया जाता है उस एमसीक्यू के एग्जैक्ट आंसर को देने के लिए चलिए अब इसमें एनओ का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत वाइड है किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं क्या एक्शन आपको लेना है वो तो डिटेल इतनी ज्यादा हमारे स्टडी मटेरियल ने कवर नहीं की बट कुछ टॉपिक जिसमें सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट के ड्यूटीज उनकी ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको कवर अप किया गया एनओसी एल और 250 के डिफरेंस को कवर किया गया एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स को कवर अप किया गया है सो so, तीन छोटे छोटे टॉपिक और हैं जिनको स्टडी मटेरियल ने कवर किया है इन रिलेशन टू एनओसी एल तो बात करते हैं थर्ड टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट एक सी ए है मिस्टर एक्स जो कंपनी का सीएफओ है ए बी सी लिमिट अब बताओ जरा क्या सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी का डायरेक्टर भी है ये सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट या Key Managerial Person की मैनेजरियल पर्सन की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा ये सीए की प्रैक्टिस नहीं कर रहा ये एबीसी लिमिटेड कंपनी का सीएफओ है इसके सामने कुछ सिचुएशन आई उसको पता चला कि कंपनी पीएमएलए एक्ट की वायोलेशन कर रही है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो क्या जिम्मेदारियां बनती हैं इस सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट Number one, obtain an understanding of the matter. Number two. एड्रेस द मैटर विद इमीडिएट सुपीरियर जैसे इस केस में हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन ऑफ द कंपनी डिटरमिन वेदर फर्दर एक्शन इज नीडिड फर्दर एक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मिंग देंट ऑफ पेरेंट एंटिटी इफ एनी यदि यह सब्सिडियरी कंपनी थी और इसकी कोई होल्डिंग है पेरेंट है एंटिटी है तो क्या उसको इन्फॉर्म करने की आवश्यकता है नंबर टू डिस्लोजिंग द मैटर टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ईडी को बताने की जरूरत है क्या पीएमएलए एक्ट की अथॉरिटी ईडी रिजाइन फ्रॉम द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन सो देखिए सोचिए क्या एक्शन कोई लेने की जरूरत है क्या जो एक्शन आपने सोचा उसके बेस पर इफ रिक्वायर्ड सीख advice from the others seeking advice from others including legal counsel and last determine whether to disclose टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज फाइनल डिसीजन क्या appropriate अथॉरिटी के पास जाऊं मैं लीगल authorities के पास जाऊं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास सीबीआई के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है क्या बैंक ऑडिट है बैंक के एम्प्लॉ हैं, आरबीआई के पास जाना है क्या सो so, ये जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वाला पॉइंट है ये दो लेवल के ऊपर डिस्कस किया है हमने एक बार तो जब आपने सुपीरियर को बता दिया उसके बाद एंड फिर बिल्कुल फाइनल लास्ट स्टेज के ऊपर सो इन दिस मैनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर प्रोफेशनल accountants नीड्स टू बी considered. इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन भी आया हुआ है मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ. साथमयार्ड्स लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मेरठ में है इट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ यार्न टू बी सप्लाईड टू द टेक्सटाइल मिल कंपनी इंस्टॉल्ड पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट फॉर प्रोसेसिंग द पोल्यूटेंट सो दैट बिफोर डिस्चार्ज ऑफ एफ्यूल्ट आउटसाइड द फैक्ट्री द लेवल ऑफ पोल्यूशन इज केप्ट एट ए लेवल बिलो द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड कंपनी ने पोल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लिया अनफेयर तरीके से और जबकि वो ब्रीच करते रहे पोल्यूशन कंट्रोल लॉ का 10.25 लाख रुपीस रुपीज खर्च किया गया इस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेने के लिए जो अनलॉफुल था और इस अमाउंट को बुक्स में एस ए पोल्यूशन रिसाइक्लिंग एक्सपेंडिचर की तरह से शो कर दिया गया मैटर हैड नॉट रीच टू दो इन गवर्नेंस डायरेक्टर फाइनेंस हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट केम टू नो ऑफ दिस मैटर ऑन रिव्यू ऑफ मेजर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड कमेंट आपके एक्शन आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कंसिडरिंग द एनओ सी एल अंडर कोड ऑफ एथिक्स तो इसके अंदर ये पॉइंट आ गए ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर एड्रेस द मैटर विद इमीडिएट सुपीरियर डिटरमिन वेदर एनी फर्दर एक्शन इज नीडेड किंग एडवाइस फ्रॉम अदर इंक्लूडिंग लीगल काउंसिल डिटरमिन वेदर टू डिस्कलोज द मैटर टू एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसके अलावा क्या ये ब्रीच इमिनेंट है एंड उसका डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में अभी कराऊंगा आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मुझे कराना है ऊपर तो जनरल बातें लिखी गई है एनओ सी एल ए आर को लेकर तो मैं आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ही करा दू एक तरह एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपको किन किन चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट दिंग नंबर आपने ये मैटर बताया था इमीडिएट सुपीरियर को अपने इमीडिएट सुपीरियर में टीसीडब्ल्यू जी आता है मैनेजमेंट आ सकती है आप ऑडिटर हैं तो आपकी क्लाइंट की मैनेजमेंट आ सकती है उसको आपने बताया तो कैसे उन्होंने इस मैटर को हैंडल किया डील किया उसकी बात उनका रिस्पॉन्स क्या था हाउ मैनेजमेंट और टी सी डब्ल्यू जी हैज रिस्पॉन्डेड टू मैटर तो फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा that is response of management and tcwg b point course of action considered judgments made एंड डिसीजन टेकन आप क्या एक्शन कंसीडर कर रहे थे आपने क्या जजमेंट्स ली हैं क्या फैसला फाइनल किया गया है डॉक्यूमेंट करना है इसको एंड लास्ट हाउ अकाउंटेंट सेटिस्फाइज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पब्लिक इंटरस्ट हैज बीन फुलफिल्ड सो तीसरा पॉइंट आ गया फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द पब्लिक इंटरेस्ट डॉक्यूमेंटेशन so, में तीन मेन चीजें हैं जो कोड ऑफ एथिक्स ने इन रिलेशन टू एनओ सी एल ए आर हमें बताई है नंबर वन डॉक्यूमेंट करिए मैनेजमेंट या टीसी डब्ल्यू जी का रिस्पॉन्स नंबर टू डॉक्यूमेंट करिए कोर्स ऑफ एक्शन कंसीडर्ड प्रोफेशनल जजमेंट्स मेड एंड डिसीजंस टेकन एंड लास्ट वन थर्ड वन हाउ अकाउंटेंट सेटिस्फाइज द फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट तो ये तीन चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट करनी जरूरी है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को इन रिलेशन टू एनओ सी एल ए आर वेदर यू आर इन प्रैक्टिस और यू आर इन सर्विस मीनिंग हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई एप्लीकेबिलिटी आ गई डॉक्यूमेंटेशन आ गया और क्या रह गया एक टॉपिक और छोटा सा एनओ सी एल ए आर वर्सिस एस ए दो सौ पचास ये है आज आपका होमवर्क मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं डिस्कस वैसे पहले भी किया है एक बार और कर लेते हैं बुक में से कराता हूं और आप इसे याद करके नोट डाउन करेंगे कुछ होमवर्क देना जरूरी है पहला पॉइंट एप्लीकेबिलिटी एसे 250 फिफ्टी कहां एप्लीकेबल है ओनली ऑन ऑडिट असाइनमेंट सिर्फ ऑडिट असाइनमेंट पर लेकिन एनओसीएलए आर एप्लीकेबल ऑन द प्रोफेशनल अकाउंटेंट वेदर इन सर्विस और इन प्रैक्टिस स्कोप एस एड टू फिफ्टी ऑडिटर्स की इन रिलेशन टू दो लॉ दैट डू नॉट द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्कलोजर बट कंप्लायस विद विच आर फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग आस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस तो एस एड टू फिफ्टी वो दो तरह के लॉ के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है बट जब हम एनओ सी की बात करते हैं तो एनओ सी एल एर तो सारी तरह के लॉ को कंसीडर कर लेता है कि, कि किसी लॉ की नॉन कंप्लायंस से कोई हार्म फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में हो रहा है क्या ऐसे 250 तो मेनली फाइनेंशियल मैटर के ऊपर घूम फिरकर चला जाता है बट एनओ सी एल ए आर इन एडिशन टू दिस इनको तो लेगा ही लेगा कंसिडर नॉन कंप्लायस दैट कॉज सबस्टांशियल हार्म रिजल्टिंग इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टॉक्स जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में एंगेज है आप उसके सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं और आपकी नॉलेज में आता है कि एक ग्रीन एरिया के अंदर कंपनी ने किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और अनऑथोराइज ट्रीज की कटिंग हो रही है इट इज ए नॉन फाइनेंशियल मैटर बट ट्रीज की कटिंग अपने आप में एक नॉन पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है एनओसीएलए आर एप्लाई हो जाएगा सो एनओ सी एल ए आर इन एडिशन टू फाइनेंशियल मैटर्स कंसिडर नोन कंप्लायस दैट पॉज सब्सटांशियल हार्म रिजल्टिंग इन सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स कवरेज ऐसे दो सौ पचास डज नॉट डिफाइन स्टेक होल्डर बट एनओसीएलए आर नॉन के इफेक्ट को ओवर द इन्वेस्टर क्रेडिटर एम्प्लॉइज एज वेल एज जनरल पब्लिक कंसीडर करके चलती है तो आपको इसका आंसर टेबुलर फॉर्म में तैयार करना है मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं जिसमें आप अपने आंसर को याद करके लिखेंगे रिटर्न प्रैक्टिस जरूरी है एकदम आप सोचें कि एग्जाम के अंदर आप अपने आंसर को फ्रेम कर लेंगे नहीं हो पाते तो इस फॉर्मेट में आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है तीन नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है एप्लीकेबिलिटी स्कोप कवरेज एप्लीकेबिलिटी स्कोप कवरेज आपको इस फॉर्मेट में अपने आंसर को याद करके लिखना है इसके साथ हमारा जो एनओ सी एल ए आर का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है हाँ जी, किसी का कोई डाउट किसी भी तरह का एनओसीएलएर के टॉपिक पर जी क्लियर कोई डाउट नहीं चलिए फिर इसके साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया अच्छा एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर एमटीपी अक्टूबर ट्वेंटी थ्री का CAX issued the report in Form 29B under the Income Tax Act 1961, wrongly computing book profits for the financial year 22 23. He signed the said form without ascertaining adjustments in the book profit. Subsequently, ITR was picked up for scrutiny. सेसमेंट स्कीम ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून मैटर केम टू द लाइट ऑफ टैक्स अथॉरिटी तो एक सीए ने फॉर्म ट्वेंटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन रॉन्ग कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट के साथ साइन कर दिया जल्दबाजी में विदाउट असरटेनिंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू बी मेड अराइविंग एट द बुक प्रॉफिट इनकम टैक्स ऑफिसर की नॉलेज में यह बात आ गई क्वेश्चन पूछा गया है विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज वायोलेटेड इन दिस सिचुएशन पांच फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कंपिटेंस ड्यू केयर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्फिडेंशियलिटी यहां पर नहीं है ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं हो रही कोई बाइसनेस की बात नहीं है क्या आपने पीसीडीसी डिलीजेंटली काम किया है डिलीजेंटली वर्क किया है नहीं क्या आपका बिहेवियर ऐसा था कि आपने लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायसिस को इंश्योर किया है नहीं क्या आपने अपने आप को एसोसिएट किया है एक ऐसी स्टेटमेंट के साथ जिसमें अन ट्रू मैटर है मिस स्टेटमेंट है हा so, तीन प्रिंसिपल है जो इसमें वायोलेट हो रहे हैं इंटीग्रिटी बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्टेटमेंट विच कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे अपने काम में पीसीडीसी कॉन्फिडेंश पीसीडीसी आपने डिलीजेंटली काम नहीं किया प्रोफेशनल बिहेवियर आपने जल्दबाजी में काम किया लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायसेस को इंश्योर नहीं किया नो no. अब प्राइमा फेसी तो ये तीन प्रिंसिपल हैं जो इस केस में हो रहे हैं वायोलेट लेकिन जब मैं आपको कहता हूं कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए तो उसके पीछे कारण क्या है कि इंस्टीट्यूट जब इनके आंसर देता है तो जरूरी नहीं है कि वो सारे मैटर को कवर करें इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में सिर्फ एक प्रिंसिपल को कवर अप किया है एंड दैट इज इंटीग्रिटी द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप integrity implies fair dealing and truthfulness professional accountant shall not knowingly be associated with report return communication or other information where the accountant believe that information contains material false or misleading statement Con information contains the statement that is provided negligently yeah रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज ऑमिटेड हाँ ईशान क्या कह रहे हो दिस क्वेश्चन इज नॉट इन आवर बुक हाँ वो मैंने आपको कल बोला था ना कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर जब बुक रिलीज हुई उसके बाद एड ऑन हुए हैं उसकी मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा दूंगा क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में ना और ये सॉफ्ट कॉपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कब तीन या चार दिन के बाद सोचो ऐसा क्यों बताओ करने को मैं आज कल में भी कर सकता हूं बट अभी मैं रुकूंगा दो तीन दिन और ऐसा क्यों मे ट्वेंटी थ्री का मे ट्वेंटी फोर का पेपर होने वाला है तीन चार दिन में मे ट्वेंटी फोर का पेपर हो जाएगा तो उस पेपर के अंदर भी जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी ऐड कर दो ताकि आपके पास एडिशनल क्वेश्चन की एक सिंगल कंपाइलेशन बाद में तो जो ऐड होंगे जब आरटीपी आएंगी नवंबर के लिए अगले साल के लिए वो तो जब आएंगी तब आएंगी उनको तो मैं आज कंसीडर ही नहीं कर सकता तो अभी एग्जाम होने वाला है दो तीन दिन में तो उसके क्वेश्चंस भी ऐड करके फिर मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा सारे एडिशनल क्वेश्चन इस क्वेश्चन में साथ ही पूछा गया है आल्सो डिस्कस लाइबिलिटी ऑफ सी एक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन दिस रिस्पेक्ट ये लाइबिलिटी आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें रीजन अक्टूबर ट्वेंटी थ्री के अंदर जब सिलेबस पुराना एप्लीकेबल था तो liabilities under income tax act syllabus का पार्ट थी सिलेबस में तो अंडर इनकम इतना पोर्शन आप छोड़ सकते हैं ये पोर्शन आप काट सकते हैं और फिर याद करना चाहो कर लो क्योंकि तो कई बार पता नहीं चलता सेम क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर पेपर सेटर तो चलिए इसके साथ हमारा टॉपिक नंबर वन कंप्लीट जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर की कोड ऑफ एथिक्स की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कवर किए थ्रेट्स कवर किए सेफ कवर किए एंड ओ सी एल ए आर कवरअप किया इफ यू वांट टू टॉक अबाउट ऑल थ्री प्रिंसिपल करना चाहिए हमें हमें करना चाहिए Facie, इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर है ना दैट इज पीसीडीसी इंटीग्रिटी भी इतना सूट नहीं करता इंटीग्रिटी भी इतना सूट नहीं करता यहां पर लिखा है नॉट एसोसिएटेड और ऊपर क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर नहीं आ रहा कि उसकी नॉलेज में था चीजें गलत है मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और नॉट डिपेंड करता है आंसर में क्या लिखा गया देखो आज आंसर ये है क्या ऑल्टरनेट आंसर बनाए जाते हैं और जो पे पेपर चेकर के पास सुजेस्टेड आंसर्स जाते हैं पेपर चेकर के पास जो आपके पास आते हैं उसकी बात नहीं कर रहा पेपर चेकर के पास उसमें कई बार एक एक क्वेश्चन के दो दो तीन तीन ऑल्टरनेट आंसर होते हैं आपके पास तो जो बोर्ड ऑफ स्टडीज का सजेस्टेड आंसर आता है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन में ही एक दो ऑल्टरनेट सोल्यूशन होते हैं बट पेपर चेकर्स के पास जो सजेस्टेड आंसर जाते हैं उनमें कई बार तीन तीन चार चार ऑल्टरनेट सोल्यूशन होते हैं तो डेफिनेटली मार्क्स विल बी अवॉर्ड चलिए जी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और अब है हमारा तीसरा टॉपिक और टॉपिक मेन टॉपिक शुरू हो रहा है अब रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट नाइनटीन चार पांच मेन प्रोविजन है एक मेंबरशिप का है एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का है एक ब्रांच ऑफिस का है मेजर तो तीन है बट इसके अलावा एक दो छोटे छोटे प्रोविजन और आएंगे सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट चलिए जनरल डिस्कशन करते हैं फाइनल का एग्जाम आपने दिया कमिंग नवंबर एग्जाम्स के अंदर और बहुत अच्छे नंबर से विद ऑल इंडिया रैंक्स आप पास हो गए आर्टिकलशिप ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी और बाकी भी जो ट्रेनिंग थी सब पूरी हो चुकी थी अब बताओ आपका सबसे पहला काम क्या होगा जी बहुत अच्छे नंबरों से आप पास कर चुके हैं ऑल इंडिया रैंक लाई है लाए हैं आप और ट्रेनिंग वगैरह सब पूरी हो चुकी है तो अब आपका काम क्या होगा यू हैव टू अप्लाई फॉर द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट तो आप इंस्टीट्यूट को अप्लाई करेंगे अपनी मेंबरशिप के लिए एक फॉर्म फिल किया जाएगा और एक एंट्रेंस फीस टू गेट योर नेम एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर वो पे करनी होगी और उसके साथ एक एनुअल फीस भी जाएगी जो देर आफ्टर एवरी ईयर आपको पे करनी होगी एंड योर नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर वंस योर नेम एंटर्ड द रजिस्टर ऑफ मेंबर यू आर एलिजिबल फॉर यूजिंग द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ए सी ए रिप्रेजेंट एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड आफ्टर फाइव इयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस या एम्प्लॉयमेंट में है तो फाइव ईयर ऑफ इक्वी बैलेंट एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंट ऑडिट एंड फाइनेंस आप एलिजिबल हैं फॉर अप्लाइंग द फेलो मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट सो दो मेंबरशिप है एक एसोसिएट मेंबरशिप और दूसरी फेलो मेंबरशिप क्या बेनिफिट है फेलो को रिप्रेजेंट करता है और जो गवर्नमेंट ऑडिट है या बैंक ऑडिट है तो उन क्राइटेरिया के अंदर फेलो मेंबरशिप आपको हेल्प करती है सेंट्रल काउंसिल मेंबर बनने के लिए सीसीएम वो तो इलेक्शन कंटेस्ट करना है आपको तो बहुत सारी जगह पर फेलो मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट भी है नो तो बात की मैंने आपके साथ मेंबरशिप की रजिस्टर तो में आपके क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं जो ऐड किए जाएंगे आपका नाम डेट ऑफ बर्थ डोमिसाइल रेजिडेंशियल एड्रेस प्रोफेशनल एड्रेस डेट ऑफ बर्थ क्वालिफिकेशन एंड क्या आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करते हैं सी ओ पी ये क्या है मेंबरशिप के बेसिस पर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते यदि आपको प्रैक्टिस करनी है पब्लिक प्रैक्टिस करनी है अपना ऑफिस ओपन करना है आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाना चाहते देन यू हैव टू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो यदि आपने मेंबरशिप के साथ साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए भी अप्लाई किया है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपके नाम के आगे एंट्री होगी क्या आप सीओपी होल्ड करते हैं या नहीं करते फिर आता है एक सेक्शन नंबर एट सेक्शन एट आपकी मेंबरशिप के बीच में एक रुकावट है वो कहता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और आपने अपने एग्जाम को ट्वेंटी वन ईयर से पहले ही पास कर लिया जो वैसे तो बड़ा मुश्किल है पास होना बट हो गया यदि, इन केस, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप जब तक आपकी एज 21 की नहीं हो जाएगी इसी तरह से और भी क्राइटेरिया है डिसेबिलिटीज के जैसे यदि एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है यदि एक पर्सनडिस्ट इनसॉल्वेंट है या yeah, एक पर्सन सोल्वेंट हो चुका है उसने अपनी इनसॉल्वेंसी रिजॉल्व कर दी जिस पर्सन के पैसे देने थे उनके साथ सेटलमेंट कर ली है तब भी आपको कोर्ट से एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि आपकी इनसॉल्वेंसी आपके किसी कंडक्ट के कारण नहीं थी दैट वाज ड्यू टू मिसफॉर्चून बैड लक के कारण थी ऐसा नहीं कि आपने विलफुली किसी पर्सन के पैसे मारे हैं आपको ये प्रूफ करना होगा और कोर्ट से इसका सर्टिफिकेट लाना होगा सेक्शन uh, की ही हम बात कर रहे हैं ईशान सेक्शन एट के अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जैसे एज लेस देन ट्वेंटी वन ईयर पर्सन अनसाउंड माइंड का है पर्सन अन डिस्ट इंसॉल्वेंट है इंसॉल्वेंट है और उसने अपनी लाइबिलिटी अभी तक सेटल नहीं करी है या पर्सन अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर चुका है बट उस केस में भी कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं मिला यदि उसको कि आपकी इंसॉल्वेंसी वॉज ड्यू टू मिस फॉर्च्यून नॉट ड्यू टू कंडक्ट ऑन दार्ट ऑफ द में आपने जानबूझकर ये इंसॉल्वेंसी क्रिएट नहीं की थी इट वाज ड्यू टू मिस या यदि एक पर्सन गिल्टी है किसी अफेंस का इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड जो टेक्निकल नेचर का अफेंस नहीं टेक्निकल नेचर का अफेंस है लाइक like स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं किया लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं किया वो तो एक अलग मुद्दा हो गया कि कॉम्पिटेंसी से काम नहीं कर रहे मेंबरशिप के अंदर हम बात कर रहे हैं मोरल टर्पिट्यूड की नैतिकता के अगेंस्ट ठीक तो यदि एक पर्सन को किसी कोर्ट ने दोषी माना है किसी भी अफेंस का इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अफेंस दैट इज ऑफ नॉन टेक्निकल नेचर वो पर्सन इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं बन सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से माफीनामा नहीं लेकर के आएगा इस चीज का कि उसकी इस डिसेबिलिटी को पार्डन किया जाता है माफ किया जाता है तब तक इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं बन सकता या एक पर्सन मेंबर बन चुका था लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है कोड ऑफ एथिक्स की जो रिक्वायरमेंट थी उनका कंप्लायंस नहीं किया गया तो क्या होगा उस पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से काट दिया गया हटा दिया गया कुछ पीरियड के लिए इधर बाय बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी दो महीने तीन महीने छह महीने एक साल पांच साल दस साल तो यदि बोर्ड ने या डिसिप्लिन कमेटी ने ऐसा कोई डिसीजन दिया है इन दैट केस उतने पीरियड के लिए फिर उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से काट दिया जाए तो वो डिसेबल हो चुका है उतने पीरियड के लिए तो ये सिक्स पॉइंट है जो सेक्शन एट के अंदर कवर होते हैं इसके बाद फिर बात आती है क्या एक पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से किसी और ग्राउंड पर भी हटाया जा सकता है जी हां यदि एक पर्सन की डेथ हो जाए यदि एक पर्सन अपनी एनुअल मेंबरशिप फी पे ना करें यदि एक पर्सन खुद ही अपनी मेंबरशिप सरेंडर करना चाहता है तो ऐसी कुछ सिचुएशन है जिसमें उसके नाम को रजिस्टर ऑफ मेंबर में से हटाया जा सकता है तो यदि एक पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से हट गया तो क्या वो वापस से रिस्टोर भी हो सकता है हाँ, आपने नाम हटवाया है रिक्वेस्ट देकर आप रिक्वेस्ट देकर दोबारा ऐड करवा लो बट एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है बहुत बड़ी क्या एसोसिएट मेंबरशिप से जब हम फेलो मेंबरशिप की तरफ बढ़ते हैं एसोसिएट मेंबरशिप से फेलो मेंबरशिप की तरफ बढ़ते हैं तब पांच साल वर्ड यूज्ड होता है कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस का यदि बीच में आप बाय चांस अपनी एनुअल फीस पे करना भूल गए जैसे थर्टीएथ सितंबर कट ऑफ डेट होती है एनुअल फी पे करने की करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो मान लो मैं इस ईयर की थर्टीएथ सितंबर तक करंट ईयर की फीस पे करना भूल गया एक अक्टूबर को रजिस्टर ऑफ मेंबर में से मेरा नाम हटा दिया गया मुझे याद आया पांच अक्टूबर को अरे मेरी तो फीस रह गई इंस्टीट्यूट से रिमाइंडर भी आया था मैसेज भी आया था ईमेल भी आई थी लेटर भी आई थी बट मैं तो भूल गया पांच अक्टूबर को हड़बड़ी में मैंने इमीडिएटली लॉग इन करके अपनी मेंबरशिप भी पे करी अब बताएं क्या मेरी मेंबरशिप कॉन्टिन्यूटी में मानी जाएगी या ब्रेक आ गया मैंने फीस तो पे कर दी अक्टूबर को ब्रेक कंसीडर होगा या कंटिन्यूटी होगी आपको लगेगा तो ये कि हाँ ब्रेक आ गया बट ये ब्रेक नहीं माना जाएगा ये ब्रेक नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। यदि आप करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले पहले दैट मींस ऑन और बिफोर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च अपनी फीस का अरियर एंट्रेंस फीस दोबारा से प्लस एडिशनल फीस जो काउंसिल डिसाइड करे वो दे देते हो तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका नाम रीस्टोर हो जाएगा कब से द डे ऑन विच द नेम हैज बीन रिमूव तो जिस दिन रिमूव हुआ उसी दिन से रीस्टोर हो गया अब सेम डे से रिस्टोर हो गया तो क्या ब्रेक आया ब्रेक तो नहीं आया लेकिन ज्यादा ही बेवकूफी कर दी हमने पांच अक्टूबर को नहीं भरी नवंबर में नहीं दी दिसंबर में नहीं दी थर्टी फर्स्ट मार्च तक नहीं दी अप्रैल में याद आया अगले फाइनेंशियल ईयर में अब एक अप्रैल को फीस पे की अरियर दिया, एंट्रेंस दी, जो एडिशनल फीस मांगी वो दी सब दिया एक अप्रैल को बट अब अब ये ब्रेक कंसीडर होगा और आपकी मेंबरशिप रीस्टोर होगी कब से एक अप्रैल से एक अप्रैल से, एक अक्टूबर से नहीं मानी सो so, ये कुछ प्रोविजंस है मेंबरशिप के जो हमें ध्यान रखने हैं मेंबरशिप की डिसेबिलिटीज क्या हैं, मेंबरशिप कैसे रिमूव हो सकती है मेंबरशिप रिमूव हो गई तो कैसे रीस्टोर हो सकती अच्छा फिर एक सेक्शन ट्वेंटी फोर और पढ़ेंगे हम इसमें और वो क्या है पेनल्टी यदि एक पर्सन मेंबर नहीं है और वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है दैट आई एम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट और ही इज एक्टिंग एज ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट पर्सन सीओपी होल्ड नहीं करता बट वो सीए की प्रैक्टिस कर रहा है ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज ए प्रैक्टिस होल्डर सीओपी होल्डर देन सेक्शन ट्वेंटी फोर में पेनल्टी है पहली कन्विक्शन के ऊपर एक हजार रुपए का फाइन फर्स्ट कन्विक्शन पर और दोबारा गलती करोगे दोबारा गलती करोगे देन पांच हजार रुपए तक का फाइन छह महीने तक की जेल या दोनों दोनों भी हो सकते हैं तो ये पेनल्टी मैं आपको नोट करा दूंगा मल्टीपल चॉइस में आ सकता है इफ एफ सी ए फॉर गेट देन Will he start from ACA? यदि FCA अपनी फीस पे करना भूल गया और रजिस्टर में से उसका नाम हट गया इन दैट केस विल है दोबारा मेंबरशिप फी पे करेगा तो फेलो मेंबरशिप ही आएगी फिर तो फिर एसोसिएट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार आप फेलो मेंबरशिप ले चुके हैं तो फेलो में ही रहेंगे तो चलिए अब जो चीजें हमने डिस्कस की है उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लिखवा दूंगा और आपकी होमवर्क में मेन बुक में से रीडिंग रहेगी मेन बुक में से रीडिंग रहेगी सारे की क्वेश्चन इसमें से जनरली सेक्शन एट पर पूछे तो पूछे अदरवाइज एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसकी नोटिंग कराऊंगा तो उसमें भी ये सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी डिस्कस भी हो जाएंगी दोबारा होमवर्क में आपको मेन बुक में से स्टडी करना है पॉइंट ए

types of membership section 5 associate and fellow membership b पर्टिकुलर्स टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सेक्शन नाइनटीन क्या क्या पर्टिकुलर्स आएंगे नंबर वन Full name, date of birth, domicile, residential and professional address. Number two Date of entry Qualification and weather hold COP Domicile Matlab अब कहां के नागरिक हैं स्टेट दिल्ली हरियाणा पंजाब यूपी बिहार महाराष्ट्र असम, सी पॉइंट डिसबिलिटी सेक्शन एट नोटिंग नहीं हुई लीजिए नोटिंग करिए Disabilities Point one Age less than twenty one years. Unsound mind. अन डिस्चार्ज इन सॉलवेंट अनडिस्चार्ज मतलब वो पर्सन जिसने अपनी लाइबिलिटीज अभी तक सेटल नहीं करी है और कोर्ट ने उसको इन सॉल्वेंट एडज कर रखा है अब मैंने वर्ड यूज किया डिस्चार्ज इन सोलवेंट वो पर्सन जिसने अपनी इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज कर दी है बट सर्टिफिकेट फ्रॉम कोर्ट नॉट ऑप्टेड एज टू द फैक्ट दैट इंसॉल्वेंसी वॉज ड्यू टू मिसफॉर्च्यून बैड लक के कारण थी इंसॉल्वेंसी विलिंगली नहीं थी फिफ्थ पॉइंट पर्सन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट Of an offence involving moral turpitude or offence of non technical nature. या फिर रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप ड्यू टू प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट ये सिक्स पॉइंट हैं जो सेक्शन एट में डिसेबिलिटीज के अंदर कवर होते हैं एज अनसाउंड माइंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट नॉट ऑप्टेन एज टू द फैक्ट दैट इंसॉल्वेंसी वॉज ड्यू टू मिस नॉट ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट convicted of an offence involving moral turpitude or offence of non technical nature तो अब इसमें दो वर्ड हमारे पास आ गए एक वर्ड moral turpitude और दूसरा non technical nature moral turpitude दैट इज कि जो नैतिकता के नैतिक सिद्धांतों के अगेंस्ट है लाइक like, ऑफिस में किसी को अब्यूज करना या सोशल सर्कल के अंदर अपनी फैमिली के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस नेबर्स के साथ झगड़ा जो चीजें नैतिक तौर पर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और एनी अफेंस ऑफ नॉन टेक्निकल नेचर तो यहां हम प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहे टेक्निकलिटीज़ टेक्निकैलिटीज की कि आपने स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं किया आपने लॉ का कंप्लायंस नहीं किया आपने ऑडिट ऑब्जर्वेशन सही से नहीं की एटसेट्रा नॉन टेक्निकल चीजें अनलेस पार्डन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्न हाँ, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से माफी ले आए माफीनामा ले आए कि सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है और आपकी ये जो डिसेबिलिटी थी ये रिमूव कर दी गई है नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम मेंबर इन दैट केस ओके पार्डन रिसीव्ड और ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट या फिर रिमूवल हुई है फ्रॉम द मेंबरशिप ड्यू टू एनी प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट एक काम करूं मैं आपको कुछ डिसीजन दिखाता हूं ये आईसीए की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर देखो सबसे पहला जो लिंक है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट इसके अंदर कुछ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के एंड डिसिप्लिनरी कमेटी के बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का कोई ऑर्डर खोलते हैं 2024 2024-25 के कुछ ऑर्डर हैं। यह ऑर्डर है केस का नाम है श्री संजय जैन चंडीगढ़ वर्सेस सीए कपिल देव अग्रवाल ऑर्डर है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का संजय जैन का मैटर है जिसने कंप्लेंट की है किसके अगेंस्ट कपिल देव अग्रवाल के अगेंस्ट जो मैसर्स बी अग्रवाल एंड कंपनी का प्रोपराइटर पार्टनर कुछ भी हो सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे सीए राजेंद्र कुमार पी एंड मिस डोली चक्रवर्ती गवर्नमेंट नॉमिनेट दस अप्रैल को यह ऑर्डर पास हुआ और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने फर्स्ट पैरा में देखो सेकेंड फेबर 2024 की फाइंडिंग्स के अगेंस्ट पाया सीए कपिल देव अग्रवाल गिल्टी है अदर मिसकंडक्ट के और इनके ऊपर एक लाख रुपए का फाइन लगाया गया है रिमूवल नहीं किया गया मेंबरशिप कमेटी के डिसीजन देखते हैं कमेटी जनरली रिमूव कर देती है देखो केस नहीं पढ़ाया मैंने आपको केस क्या था क्योंकि अभी आपने फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल नहीं पढ़ा मैं सिर्फ एक रिमूवल दिखा रहा हूं कि डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट उसकी भी चर्चा करेंगे आगे जाकर वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से रिमूवल कर सकता है और इस केस के अंदर रिमूवल हुआ है कितने दिन का फोर्टी फाइव डेज के लिए फोर्टी फाइव डेज के लिए सी ए श्रीधर त्रयबक कुंते को रिमूव किया गया है रजिस्टर ऑफ मेंबर से साथ ही एक लाख रुपए का फाइन लगाया गया केस क्या था वो लेटर ऑन जब शेड्यूल्स के ऊपर आएंगे तो आपके साथ केस भी डिस्कस करूंगा तो यदि अब जैसे इस केस में सीए श्रीधर त्रम्बक कुंते को फोर्टी फाइव डेज के लिए रिमूव कर दिया गया तो उतने पीरियड के लिए वो डिसेबल है वो अप्लाई नहीं कर सकता दोबारा मेंबरशिप के लिए फोर्टी डेज एक्सपायर होने के बाद

फ्रॉम रजिस्टर ऑफ में सेक्शन ट्वेंटी किन सर्कमस्टांसिस में या सिचुएशन में एक पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से रिमूव किया जा सकता है या किया जाएगा जैसे पहला केस है डेथ का डेथ के बाद तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से नाम रिमूव होगा ही ऑन रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द मेंबर मेंबर खुद रिक्वेस्ट करें आई एम नो मोर विलिंग टू रिमेन द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट फाइनली रिमूव माई नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर जब पर्सन खुद ही मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा ठीक है हटा दिया जाएगा नॉन पेमेंट ऑफ एनुअल मेंबरशिप फी हटा दिया जाएगा या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट वाइल अप्लाइंग मेंबरशिप अंडर सेक्शन एट सेक्शन एट में जब आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था तो रोंग फैक्ट्स आपने बताए थे और इंस्टीट्यूट की नॉलेज में वो रोंग फैक्ट्स आ गए So when the institute become aware about the misrepresentation, they may remove the name from the register of member after giving an opportunity of being heard. E point restoration of मेंबरशिप इफ कैंसल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनुअल फीस इसके प्रोविजन है रेगुलेशन नंबर 19 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में नहीं लिखा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन 1988 की रेगुलेशन नंबर 19 के अंदर बताया गया If arrear of fees along with entrance fees and additional fees, if any. prescribed by the council paid on or before end of relevant financial year Membership will be restored from the date of cancellation. Second case if एरियर ऑफीस एंट्रेंस फीस एंड एडिशनल फीस पेड नॉट पेड लिखते हैं नॉट पेड on or before end of relevant financial year membership will be restored on Date of Application for a Restoration along with Payments. तो जब आप अप्लाई करेंगे पेमेंट्स करेंगे उस डेट से रिस्टोर होगी इसका एक एग्जांपल कराता हूं आपको फॉर एग्जांपल मेंबरशिप ऑफ मिस्टर एक्स Cancelled on first of October twenty four due to non payment of fees. Application for रीस्टोरेशन अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ फीस मेड ऑन मेड दो केस लेते हैं ऑन और बिफोर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी फाइव आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फाइव मेंबरशिप कब से रिस्टोर होगी अक्टूबर 2024 से मेंबरशिप रीस्टोर रिस्टोर फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन इस तरह से ये हमारा प्रोविजन चलता है रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप का तो हमने टाइप्स ऑफ मेंबरशिप पढ़ ली पर्टिकुलर्स पढ़ लिए डिसेबिलिटी, रिमूवल रिस्टोरेशन एक लास्ट और छोटा सा टॉपिक पेनल्टी का सेक्शन ट्वेंटी फोर पेनल्टी फॉर फॉल्स क्लेमिंग टू बी अ मेंबर सेक्शन ट्वेंटी फोर बस ब्रेक दे रहे हैं दो मिनट का पेनल्टी का प्रोविजन है फर्स्ट कन्विक्शन पहली बार की गलती पर फाइन अप टू रुपीज वन थाउजेंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पर Fine up to rupees five thousand or imprisonment up to six months or both. इसके साथ हमारा मेंबरशिप से रिलेटेड जो टॉपिक था जिसमें हमने सेक्शन फाइव को कवर किया सेक्शन एट को कवर किया सेक्शन 20 की बात की सेक्शन ट्वेंटी की, की की. को हमने इसके अंदर कवर किया है तो अब लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे मेंबरशिप के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के साथ वेलकम बैक हां जी करें स्टार्ट आ गए हो ब्रेक से एक मिनट अच्छा एक मिनट और चाहिए चलो एक मिनट तो ऐसे ही हो जाएगा पूरा हमने ब्रेक से पहले टॉपिक शुरू किया था दैट इज रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड इट्स रेगुलेशन और उसमें मेंबरशिप के प्रोविजन को डिस्कस किया नाउ अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है दट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस और इसमें सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूं सेक्शन सिक्स दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यह क्या कहता है सेक्शन सिक्स का प्रोविजन है कि एक पर्सन आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ए की प्रैक्टिस नहीं कर सकता इधर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अनलेस ही होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बिना आप कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते कोई भी काम जो एक प्रैक्टाइजिंग सीए के लिए बताया गया है आप उस वर्क को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हाउ एवर अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये प्रोविजन सिर्फ इन इंडिया के लिए है नहीं द प्रोविजन इज एप्लीकेबल यदि आप इंडिया से बाहर भी सीए की प्रैक्टिस करते हैं इस क्वालिफिकेशन के बेस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो तो आपको सीओपी तो होल्ड करना ही पड़ेगा और सीओपी किससे मिलेगा आईसीएआई को अप्लाई करना पड़ेगा आपको वो आप मेंबरशिप लेते वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद भी कभी भी अप्लाई कर सकते हैं अच्छा अब यदि एक मेंबर मान लो मैं अपनी बात करता हूं मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है आज की डेट में मैंने 2017-18 में सरेंडर कर दिया था तो अब मैं सीओपी होल्ड नहीं करता अब क्योंकि मैं सीओपी होल्ड नहीं करता तो क्या मैं सीए की प्रैक्टिस कर सकता हूं बताएं जवाब आएगा नहीं सर आप सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या मैं कुछ ऐसे काम जहां पर एज सच सिग्नेचर नहीं आते अटेस्टेशन नहीं होती एश्योरेंस एक्टिविटी उनको ना करके कुछ दूसरे काम कर लू लाइक फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न इंटरनल ऑडिट टैक्स रिप्रेजेंटेशन वर्क टैक्स कंसल्टेंसी कॉर्पोरेट लॉ कंसल्टेंसी क्या मैं ऐसे काम कर लू विदाउट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सोचिए जवाब आया नहीं नहीं आप नहीं कर सकते क्यों मेरे तो कहीं साइन ही नहीं होने बट स्टिल सेक्शन सिक्स के अंदर ये प्रोविजन है बट यदि मैं ऐसा करता हूं देन मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा और मेरे ऊपर सेक्शन 24 की पेनल्टी भी लगेगी प्लस प्लस जो कोड ऑफ कंडक्ट प्रैक्टाइजिंग मेंबर वाला है वो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा जो फाइंस पेनल्टी प्रैक्टाइजिंग मेंबर पर लगती है मेरे पर भी लगेंगी जो बिहेवियर एटीट्यूड प्रैक्टाइजिंग का लॉ में लिखा हुआ है वो मुझे भी फॉलो करना है जिसके ओमिशन पर या गलत काम करने पर प्रैक्टाइजिंग मेंबर के ऊपर कोई भी मिसकंडक्ट का प्रोविजन लगता है वो मेरे पर भी लगेगा मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा बिना सीओपी के मैं काम नहीं कर सकता अच्छा अब मान लो एक पर्सन का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी ने कैंसल कर दिया फोर्टी फाइव डेज के लिए मेंबरशिप रखी एक तो चीज है मेंबरशिप ही हटा दी फोर्टी फाइव डेज के लिए पर्सन की मेंबरशिप कैंसिल करी जैसे अभी देखें उस ऑर्डर में क्या किया था श्रीधर त्रम्बक कुंते को रजिस्टर ऑफ मेंबर से ही हटाया गया था तो ये तो मेंबर ही नहीं रहा जो मेंबर ही नहीं रहा वो सीओपी भी होल्ड नहीं कर सकता यदि एक पर्सन को सिर्फ उसका सीओपी हटाया गया मान लीजिए फोर्टी फाइव डेज के लिए मेंबर वो आज भी है मेंबर आज भी है सीओपी हटा दिया गया सीओपी कैंसिल किया गया एक पर्सन का 45 डेज के लिए क्या उस पीरियड के दौरान वो मेंबर की कैपेसिटी में मार्क माय वर्ड मेंबर की कैपेसिटी में मेंबर की कैपेसिटी में प्रैक्टाइजिंग मेंबर नहीं सिर्फ मेंबर की कैपेसिटी में मेंबर तो है प्रैक्टाइजिंग सीए वाला काम एक्सेप्ट कर सकता है क्या सोच कर देखिए और बताइए सीओपी कैंसिल कर दिया है उसका 45 डेज के लिए क्या वो अपनी मेंबरशिप को यूज करके प्रैक्टाइजिंग सीए वाला काम कर सकता है क्या एक पर्सन का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल किया गया है 45 डेज के लिए बट स्टिल दैट पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट तो क्या वो सिर्फ मेंबरशिप के बेसिस पर प्रैक्टाइजिंग सीए वाला काम एक्सेप्ट कर सकता है क्या सीधा सा जवाब है नहीं कर सकता फिर फर्क ही क्या रहा सीओपी होल्डिंग में और सीओपी ना होल्डिंग में? मेंबरशिप के बेसिस पर आप प्रैक्टाइजिंग सीए वाला काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते सो so, यदि किसी भी कारण से आपका सीओपी सस्पेंड होता है कुछ पीरियड के लिए तो उस पीरियड के दौरान आप कोई भी काम जो एक प्रैक्टाइजिंग सीए का है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इन द कैपेसिटी एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट यूजिंग मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट अच्छा अब जरा एक और इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं सुनिएगा मैं मेंबर हूं आईसीएआई का मैं मेंबर हूं आईसीएसआई का मैं मेंबर हूं आईसीडब्ल्यूएआई का इसके अलावा मेरी क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन भी है मैंने एमबीए कर रखी है नाउ यदि मैं अपनी एमबीए की क्वालिफिकेशन पर कोई भी कंसल्टेंसी करता हूं कॉरपोरेट लॉ कंसल्टेंसी मैंने यूज नहीं किया कि मैं आईसीएआई का मेंबर हूं इसलिए मुझे कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज है मुझे काम दे दो विदाउट यूजिंग ध्यान से सुनिएगा विदाउट यूजिंग एनी मेंबरशिप मैंने किसी मेंबरशिप का रेफरेंस नहीं दिया काम को लेने के लिए सो विदाउट मेंशनिंग माय मेंबरशिप आई सिक्योर सम वर्क जो एक्सक्लूसिव नहीं है सीए का सीए का एक्सक्लूसिव एरिया नहीं है रिटर्न फाइलिंग का काम कर दिया मैंने मैंने किसी को कंसल्टेंसी दे दी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर देन बताइए क्या मैं गिल्टी हूं मिसकंडक्ट का मैंने मेंबरशिप यूज नहीं की आईसीए की yes. मैं गिल्टी नहीं सो ड्यूरिंग द पीरियड जब मैं सीओपी होल्ड नहीं करता मैं मेंबरशिप को यूज करके कोई काम लेता हूं तो मैं गिल्टी हूं यदि विदाउट यूजिंग मेंबरशिप मैं कोई काम लेता हूं मैं गिल्टी नहीं हूं तो मेंबरशिप की कोई कैपेसिटी नहीं होती मेंबरशिप की कैपेसिटी में आप काम नहीं ले सकते किसी और कैपेसिटी में जो मर्जी करो आप मान लो एक पर्सन का सीओपी कैंसल हो गया छह महीने के लिए तो क्या छह महीने वो काम ही नहीं करेगा क्या उसकी जीएसटी की बहुत अच्छी नॉलेज है क्या जीएसटी कंसल्टेंट बनने के लिए सीए की डिग्री जरूरी है नहीं जीएसटी कंसल्टेंट के लिए सीए की डिग्री जरूरी नहीं है वो छह महीने जब उसका सीओपी कैंसल हुआ उसने अपना डेजिग्नेशन यूज कर लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह जीएसटी कंसल्टेंट जीएसटी कंसल्टेंट और इस नाम से काम कर रहा है क्या वो मिसकंडक्ट में आएगा फिर मिसकंडक्ट में नहीं आएगा तो जहां पर आप मेंबरशिप को यूज कर लोगे काम को पाने के लिए फिर तो मिसकंडक्ट है बिना सीओपी के आप सिर्फ मेंबरशिप के बेसिस पर काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते लेकिन आपका सीओपी कैंसल हुआ मेंबरशिप आपने यूज नहीं की देन इट इज ओके फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है यही हमारा सेक्शन सिक्स है No member of ICAI, whether in India or outside India, shall be. Entitled to practice unless he has obtained a certificate of practice. Notes Members of ICAI can't accept. Any work prescribed for practicing CA in his capacity as a member of ICAI. अनलेस ही होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दो चीजें हैं हमेशा ध्यान रखिएगा एक मेंबरशिप होती है और दूसरी सीओपी जैसे मैं मेंबर हूं बट मैं सीओपी होल्ड नहीं करता अब यदि मैं अपनी मेंबर की कैपेसिटी में कोई भी काम एक्सेप्ट करता हूं जो एक प्रैक्टाइजिंग सीए वाला है तो मैं गिल्टी हूं मैंने सेक्शन सिक्स की वायोलेशन की है इफ अब मेंबर सरेंडर्स हिज सीओपी फॉर सर्टेन पीरियड ड्यू टू एनी मिसकंडक्ट ही कॉन्ट एक्सेप्ट एनी वर्क इन हिज कपेसिटी एज अ मेंबर ऑफ आईसीए मेंबर की कैपेसिटी में आप कोई भी काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हाउ एवर For that period, work in other capacity can be accepted. For example, as advocate. As insolvency professional, as GST consultant, as registered valuer. अब इसके बाद प्रोविजन आ जाएंगे कैंसलेशन ऑफ सीओपी के एंड रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी के क्या सीओपी कैंसल हो सकता है फीस पे नहीं करोगे तो सीओपी कैंसिल होगा यदि सीओपी कैंसल हो गया तो क्या रिस्टोर करा सकते हो करा सकते हो फीस दे दो रिस्टोरेशन ऑफ सीओ पी इनके प्रोविजन है रेगुलेशन टेन में और रेगुलेशन इलेवन में इन दोनों को मैं आपको करा देता हूं बुक से कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है कैंसलेशन सीओपी शेल बी लाइबल फॉर कैंसलेशन इफ नेम ऑफ द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर यदि एक पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हट गया तो सीओपी तो ऑटोमेटिकली कैंसिलउंसिल इज सेटिस्फाइड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हियड

थर्टी डे ऑफ सेप्ट और यदि सीओपी कैंसल <coughs> हो रहा है तो सीओपी सरेंडर कर दीजिए सेक्रेटरी को द होल्डर शेल सरेंडर द सीओपी टू द सेक्रेटरी क्या सीओपी रिस्टोर कराया जा सकता है यस काउंसिल में रिस्टोर द सीओपी ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन अप्रूव्ड फॉर्म On payment of prescribed fees with effect from the date on which the COP was cancelled to a member whose certificate has been cancelled due to non payment of annual fee for the COP and application complete in all respect received by the secretary before the expiry of the relevant year. ईशान सेम प्रोविजन है ये रहा ना सेम प्रोविजन यदि आप रेलिवेंट ईयर की एक्सपायरी से पहले फॉर्म फीस पे कर देते हो तो आपका सीओपी रीस्टोर रिस्टोर हो जाएगा कौन सी डेट से द डेट ऑन विच इट वॉज कैंसल द डेट ऑन विच इट वॉज कैंसल्ड उसी डेट से रिस्टोर हो जाएगा बस सिंपल प्रोविजन जो मेंबरशिप के लिए था एग्जाम में क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम है इस टॉपिक पर हाँ सेक्शन सिक्स के ऊपर क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है चलो क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस ही नहीं किए मेंबरशिप के भी क्वेश्चन रह गए हैं अभी मेंबरशिप की बात करते हैं एम अप्रैल ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन है मिस्टर शीतल इज अ प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज एंड मिस ड्यूरिंग द ईयर ट्वेंटी वन He lost almost all of his wealth and became undischarged insolvent. Undischarged. After a few court hearings, finally in the year 2024, he was declared discharged insolvent and he obtained a certificate from the court.

डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है और उसने कोर्ट से सर्टिफिकेट भी ले लिया कि उसकी इंसॉल्वेंसी इट वाज ड्यू टू मिस फॉर्च्यून विदाउट एनी मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट जी बताइए सेक्शन एट में कराया था मैंने आपको ब्रेक से पहले क्या इस पर्सन को अब रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री दी जा सकती है यस yes, कोई प्रॉब्लम नहीं है रजिस्टर ऑफ if इफ ही डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैज नॉट not फ्रॉम द कोर्ट अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट इंसॉल्वेंसी insolvency was बाय by misfortune विदाउट एनी मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट

एट पर एक क्वेश्चन था नेक्स्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सीओपी होल्डर है हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द प्रैक्टिस फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ मेंबर तो अभी भी है मेंबर तो अभी भी है कैंसिल क्या हुई है सीओपी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन मेंबर डिड नॉट अंडरटेक एनी ऑडिट असाइनमेंट हाउ एवर ही अंडर टुक द रिप्रेजेंटेशन असाइनमेंट फॉर इनकम टैक्स वी बाय ही वुड अपीयर बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज इन हिज कैपेसिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंट बताइए सीओपी होल्ड नहीं करता सीओपी होल्ड नहीं करता ऑडिट नहीं ली लेकिन रिप्रेजेंटेशन वर्क कर रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने इन द कैपेसिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए कर रहा है क्या ये कर सकता है नहीं गलत मिसकंडक्ट सेक्शन सिक्स की वायोलेशन करती है a ca not holding cop cannot take up any other work because it would be violation of the provisions of ca act in case a member is suspended and is not holding cop he cannot in any other capacity take up any practice separable from his capacity to practice as a member of the institute

सी ए वुड नॉट बी अलाउड टू रिप्रेजेंट बिफोर द टैक्स अथॉरिटीज फॉर द पीरियड ही रिमेन सस्पेंडेड एंड हेंस ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में एटीन में क्वेश्चन आया है फोर मार्क्स का मिस्टर डाइस अ प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉज ऑर्डर टू सरेंडर हिज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर वन ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन उसने अपना डेजिग्नेशन यूज किया जीएसटी कंसल्टेंट फाइल द जीएसटी रिटर्न अपियड एज ए कंसल्टेंट बिफोर वेरियस रिलेटेड अथॉरिटीज ही कंटेंट देर इज नथिंग रॉन्ग लाइक एनी अदर जीएसटी कंसल्टेंट ही कुड टेक सच वर्क एंड हिज एंगेजमेंट इन नो वे वायोलेट द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन क्या वो सही है हाँ जी बताइए ईशान कृष्णा साहिल राधिका वरुण साक्षी जी वो सही है ही इज करेक्ट इन हिज अप्रोच ही इज करेक्ट इन अप्रोच कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई मिसकंडक्ट नहीं है उसने सीए की कैपेसिटी को एक्सच यूज नहीं किया है फाइलिंग जीएसटी रिटर्न अपियरिंग एज जीएसटी कंसल्टेंट इज नॉट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट therefore मिस्टर डाइस विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर द मिसकंडक्ट ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दूसरा टॉपिक दूसरा टॉपिक जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सेक्शन टू सब सेक्शन टू सेक्शन टू सब सेक्शन टू जिसका नाम है मेंबर डीम्ड टू बी इन दो चीजें हैं यदि एक पर्सन जो आई का मेंबर है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लेता है तो वो बन गया प्रैक्टाइजिंग सीए और उसके ऊपर जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगेगा प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वाला उसको प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वाले कोड ऑफ कंडक्ट में जितनी बातें लिखी गई हैं उन सबका कंप्लायंस करना होगा नहीं करेगा तो उसके ऊपर फाइन पेनल्टीज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में लिखी गई है वो अप्लाई हो जाएंगे अब यदि मैं सीओपी होल्ड नहीं करता लेकिन मैं सीओपी होल्डर जैसे काम कर रहा हूं तो ऐसे केस में लॉ कहता है कि मैं क्या मान लिया जाऊंगा डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाऊंगा और इसका क्या मतलब है जो कोड ऑफ कंडक्ट प्रैक्टाइजिंग है, जो पेनल्टीज जो फाइंस प्रैक्टाइजिंग सीए के लिए है वो मेरे ऊपर भी अप्लाई हो मैं इस चीज से बच नहीं सकता कि यदि मैं यह सोचूं कि मैं बिना सीओपी के ये काम कर लेता प्रैक्टाइजिंग सीए वाले सीए के ऊपर तो बहुत सारी दिक्कतें हैं अब आप सोचोगे ऐसी क्या दिक्कतें हैं चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो एक प्रैक्टाइजिंग सीए है उन के 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 बोर्ड देखे हैं आपने छोटे से बोर्ड लगे होते हैं तीन बाय आठ के बाय तीन के दो बाय चार के बड़े सिंपल से क्या हेलोजन लाइट्स वाले बोर्ड देखे हैं उनके कभी क्या उनके बड़े बड़े होर्डिंग बैनर आपने कहीं पर एडवर्टाइज होते देखे क्या अखबारों में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का इश्तेहार देखा इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन है प्रेवटाइजिंग सीए के ऊपर आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते आप सोलिसिट नहीं कर सकते आपके फर्म के नेम का बोर्ड साइज ये होना बोर्ड साइज इतना ऐसे बड़ा नहीं होना चाहिए आप लोगों ऐसे यूज करेंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे ऐसा करना है वैसा करना है बहुत सारी चीजें हैं जो जिनके दायरे में रहकर प्रैक्टाइजिंग सीए को अपना काम करना होता है ऑब्जेक्टिव इसके पीछे यही है इस प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करना अब यदि कोई भी पर्सन इन चीजों का कंप्लायंस नहीं करेगा then, उसके ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर एक्शन लिया जाता है और यदि वो दोषी पाया जाता है किसी मिसकंडक्ट का देन उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से हटाया जा सकता है और उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया था श्रीधर त्रेम्बक कुंते का अब यदि मैं सोचूं भाई साहब बहुत दिक्कत है सीओपी लेकर तो बिना सीओपी के ही काम कर लेता हूं मैं तो तो यदि मैं बिना सीओपी के इंटरनल ऑडिट करता हूं तो कंपनी लॉ मुझे नहीं रोकता मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की बात नहीं कर रहा कंपनी लॉ तो नहीं रोकता ना मुझे कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 8 और सेक्शन 138 वो कहता है सीए है विदाउट होल्डिंग सीओपी इंटरनल ऑडिट कर सकता है टैक्स रिटर्न फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जीएसटी में रिप्रेजेंटेशन इनकम टैक्स में रिप्रेजेंटेशन मैं ये सारे काम करना चाहता हूं लेकिन क्वेश्चन है सीओपी में होल्ड नहीं करना चाहता मेरे पास क्लाइंट आएगा क्यों क्लाइंट को बताऊंगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं पढ़ा लिखा हूं मुझे नॉलेज है इन सब बातों की ऐसा नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं है इन चीजों की तो यदि मैं क्लाइंट को बताना चाहता हूं मैं मार्केटिंग करना चाहता हूं मैं एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूं मैं वर्क सिक्योर करना चाहता हूं सोलिसिटेशन करना चाहता हूं दायरे से बाहर निकलना चाहता हूं सीओपी नहीं ले रहा मैं मैंने सोचा ये फाइन पेनल्टी तो सीओपी वालों पर लगती है जो प्रेक्टाइजिंग सीए है ठीक मैं सिग्नेचर वाला काम कोई भी नहीं करूंगा बिना सिग्नेचर वाले काम कर लेता हूं सारे के सारे अब बताओ क्या मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस आई एम नॉट इन प्रैक्टिस बट क्या मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा जिसका जवाब है जी हां सर आपको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा जब मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया गया देन क्या मेरे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट भी अप्लाई करा दोगे क्या प्रैक्टाइजिंग सीए वाला बोलो हां या ना जल्दी जवाब दो क्या मेरे ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट जो प्रैक्टाइजिंग सीए वाला है वो अप्लाई करा दोगे जवाब आया जी सर बिल्कुल तैयार रही है इसके लिए सो so, इसीलिए ये प्रोविजन बनाया गया है सेक्शन टू सब सेक्शन टू मैं बड़ा फोकस कर रहा हूं सेक्शन पर क्योंकि जनरली जब आपके माइंड में सेक्शन टू आता है तो उसके साथ आगे क्लॉज आते हैं बट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर सेक्शन टू में क्लॉज नहीं है रादर सब सेक्शन सो तो अब हमारा प्रोविजन है मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस सेक्शन टू सब सेक्शन टू क्या कहता है ये अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट Shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with. Another CA in practice for a consideration engages himself in. Prescribed activities. So, a member of the institute will be considered as deemed to be in practice when either individually or in partnership. फॉर अंसिडरेशन नॉट ऑनर यदि मैं फ्री में कोई काम कर रहा हूं तो मुझे डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा फॉर अंसिडरेशन यदि मैं अपने आप को प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज में एंगेज करता हूं तो अब ये प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज क्या है Accountancy work Auditing Verification Certification Assistance in Accounting Practices Or management consultancy and other services as prescribed for a सीए इन प्रैक्टिस तो यदि एक पर्सन जो सीओपी होल्ड नहीं करता और अपने आप को फॉर ए कंसीडरेशन कुछ प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज में एंगेज कर लेता है अब क्वेश्चन यही है कि प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज कौन सी प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज है अकाउंटिंग ऑडिटिंग सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन या जो सबसे मेन वर्ड है जिसका आपको ध्यान रखना है दैट इज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज अब देखो ये क्या है एक सीए का कोर एरिया क्या है एरिया ऑफ वर्क अकाउंट्स, टैक्सेशन ऑडिट फाइनेंस ये एरिया बट क्या एक प्रैक्टाइजिंग सीए कुछ और सर्विसेज भी दे सकता है क्या इसका जवाब है हा आईसीएआई की काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास किया था और उस रिजोल्यूशन के अंदर उन्होंने बहुत सारी सर्विसेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, कैश बजट्स, कैपिटल बजट रेवेन्यू बजट इन्वेंट्री मैनेजमेंट मार्केट रिसर्च प्राइस फिक्सेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग Management information, personal recruitment, setting up executive incentive plan, management and operational audit, valuation of shares, business, business policy, organization structure, system analysis, acting as advisor or consultant to an public issue, investment counseling, registrar to an issue, quality audit, environment audit, energy audit, recovery consultant. इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 28 सर्विसेज की एक लिस्ट दी है इन सर्विसेस में एक सीए अपने आप को एंगेज कर सकता है तो इसका क्या मतलब है यदि इन सर्विसेज को एक नॉन प्रैक्टाइजिंग सीए जिसके पास सीओपी नहीं है वो सीए है यदि वो इन 28 सर्विसेज को देता है तो उसे क्या मान लिया जाएगा उसको भी एक डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा और उसके ऊपर जो प्रोविजन अप्लाई होंगे वो एक प्रैक्टाइजिंग सीए वाले अप्लाई अब क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन आ रहा है सर क्या ये लिस्ट याद करनी है हमें नहीं रीड करनी है ओनली इसमें से चार पांच सर्विसेज इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आप अपने क्लाइंट को रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की सर्विसेज दे सकते हैं फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट चाहता है चार अकाउंटेंट को हायर करना उनकी ट्रेनिंग दिलवाना तो आपने अपने सीए से क्लाइंट ने अपने सीए को बोला कि मेरे लिए चार अकाउंटेंट हायर कर दो मेरा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर दो मेरे उन अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग भी दिलवा दो ठीक है मैंने कहा कर दूंगा दो लाख रुपए लूंगा मैंने अखबार में इश्तेहार दिया क्लाइंट के बिहाफ पर पचास एप्लीकेशन आई पचास में से मैंने दस को सिलेक्ट किया उन दस के इंटरव्यू किए उसमें से चार को सिलेक्ट कर लिया और उस चार को ट्रेनिंग दी दो हफ्ते की उसके बाद उनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एंगेज करा दिया दो लाख रुपए मेरी फीस मैंने ले ली मैं कर सकता हूं मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम कर सकता हूं अंडर कंपनी लॉ किसी पब्लिक इशू में एज एडवाइजर और कंसल्टेंट काम कर सकता हूं प्रोस्पेक्टर्स की ड्राफ्टिंग लिस्टिंग एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग प्रेपरेशन ऑफ पब्लिसिटी बजट एडवाइस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ एजेंसीज़ लाइक अंडर राइटर ब्रोकर पोस्ट इश्यू फॉर्मेलिटीज़ की कंप्लायस इनको कर सकता हूं रिकवरी कंसल्टेंट का काम कर सकता हूं बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल का काम कर सकता हूं बट ध्यान दीजिएगा एक प्रेक्टाइजिंग सीए तीन सर्विसेज नहीं दे सकता अपने क्लाइंट को उसका ब्रोकर नहीं बन सकता उसका पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं बन सकता उसका अंडर राइटर नहीं बन सकता यदि ऐसा करता है देन एडवोकेसी थ्रेट आ जाता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाते हैं तो ये तीन सर्विसेज काउंसिल ने क्लियरली मना की हैं। अंडर एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज आप नहीं दे सकते अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का कि जब एक सीए uh, जो सीओपी होल्ड नहीं करता यदि वो इन सर्विसेज को देता है तो उसको एक प्रेक्टाइजिंग सीए की तरह से ट्रीट किया जाएगा बट इंटरेस्टिंग बात क्या है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसका नहीं आता कि एक नॉन प्रैक्टाइजिंग सीए ये काम कर रहा है क्वेश्चन आता है प्रैक्टाइजिंग सीए का और वहीं हम गलती कर जाते हैं कॉन्सेप्ट डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का लिख देते हो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही प्रैक्टाइजिंग सीए है क्वेश्चन आता है क्या एक प्रैक्टाइजिंग सीए ब्रोकिंग सर्विसेज दे सकता है जल्दी से यस yes, नो no में जवाब दो क्या एक प्रैक्टाइजिंग सीए ब्रोकिंग सर्विसेज सरेंडर कर सकता है अपने क्लाइंट को नो एनर्जी ऑडिट यस रिकवरी कंसल्टेंट यस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यस यस दे रहे थे नो अंडर राइटिंग नो पर्सोनल रिक्रूटमेंट यस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यस तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो क्वेश्चन किस पर आए हुए हैं प्रैक्टाइजिंग सीएके देखो इसके क्वेश्चन अ प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तो डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट तो लगाना ही नहीं डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं एग्री टू सेलेक्ट एंड रिक्रिट द पर्सोनल कंडक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट वेयर ही इज नॉट रेंडरिंग एनी एश्योरेंस सर्विस क्या ये मिसकंडक्ट है नहीं बिकॉज अ प्रेक्टाइजिंग सी ए इज अलाउड टू रेंडर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस एंड द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेस इंक्लूड Services of personal recruitment and the selection and training, no misconduct, not guilty of professional misconduct. P. Chartered accountant in practice, provide management consultancy and other services to his client during the 2024. लुकिंग टू द ग्रोइंग नीड्स ऑफ हिज क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट ही एडवाइज देम ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वेयर ही मैनेज द पोर्टफोलियो ऑफ सम ऑफ़ क्लाइंट बताइए क्या वो गिल्टी है ब्रोकिंग अंडर राइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तीन सर्विसेज आप दे ही नहीं सकते थे रिजल्ट आप गिल्टी हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मिस्टर पी वुड बी गिल्टी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है सी ए नटराज एडवाइजर एंड कंसल्टेंट टू पब्लिक इशू कोई प्रॉब्लम नहीं ही आल्सो अंडर राइट द पब्लिक इशू ऑफ पच्चीस परसेंट रिमेनिंग शेयर अंडर रिटर्न बाय बैंक

दो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर और एक सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन तो मैं आपको इसकी ना एक नोटिंग कराता हूं एग्जाम में आपको कैसे इसके आंसर को मेंशन करना है वैसे तो आप क्वेश्चन बैंक से भी कर लोगे बट फिर भी मैं एक रिटर्न प्रैक्टिस के लिए आपको नोट कराता हूँ आपकी नोटबुक में भी रिकॉर्ड हो जाएगा Section two, Subsection two, Clause number four of Chartered Accountant Act nineteen forty nine provides that a member shall be. Deemed to be in practice if he renders such services as, in the opinion of the council. Can be rendered by a CA in practice. Council of ICAI. Passed a resolution mentioning therein entire range of management consultancy. And other services which a practicing CA can render accordingly. A practicing CA can render multiple services as specified in the resolution. इंक्लूडिंग अब इस पॉइंट के अंदर आपके क्वेश्चन में जो सर्विस दी गई हो वो लिख दो क्या क्या हो सकती हैं वो पर्सोनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन Acting as advisor or consultant to an issue, acting as registered valuer. अंडर द कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन एक्टिंग एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड टू थाउजेंड सिक्सटीन जो भी आपके क्वेश्चन में मिल रही है बट यदि आपका क्वेश्चन अंडर राइटिंग ब्रोकिंग पर है तो आप ये लिखिए एक्टिंग एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू एक से However, it is specifically prescribed that a CA in practice cannot render. जो भी सर्विस है वो लिख दीजिए कौन कौन सी हैं? ए ब्रोकिंग बी अंडर राइटिंग एंड थर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टेप वाइज मार्किंग होती है कल भी आपके को बताया था डिस्कस किया था तो कोशिश करिए पॉइंट्स के अंदर अपने आंसर को देने की आपने सेक्शन टू दिया काउंसिल के रिजोल्यूशन का रेफरेंस दे दिया कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं वो बता दिया कौन सी सर्विसेज नहीं दी जा सकती वो बता दिया दे आफ्टर आपके क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हूं इन द गिवन केस मिस्टर एक्स इज रेंडरिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज व्हिच इज नॉट अलाउड टू अ प्रैक्टिसिंग सीए एंड हेंस ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो फिर फैक्ट्स बताइए एंड उसका कंक्लूजन दीजिए इस तरीके से आपको यह काम करना है तो आज आपका होमवर्क क्या है Do written practice of any two questions देख देखकर लिखिए बेशक जितने बड़े आंसर हैं क्वेश्चन बैंक में उतने बड़े लिखने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन कॉन्सेप्ट को पढ़िए याद करिए लिखिए क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है और मेरी कोशिश होगी मैं आज से आपको एक या दो क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस का होमवर्क जरूर दूंगा और किसी क्लास में नहीं भी दूं तो भी ये आपको अपनी हैबिट मेंटेन रखनी है और इसके अलावा एक होमवर्क आपको मैंने आज और no, आर और 250 के डिफरेंस का दिया था और मानकर चलता हूं कल जो होमवर्क दिया था आपको ये आपने नोट डाउन करा होगा जो किया है आज करेंगे हाँ बस आज कर लीजिएगा नहीं आज नहीं भी करोगे कल भी चलेगा परसों भी चलेगा बट मंडे से पहले कर लेना क्योंकि अब दो दिन सैटरडे संडे है क्लास नहीं है मंडे को मुलाकात होनी है हमारी लेकिन कोशिश करिएगा इस सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं पुराने सिलेबस के कंपैरिजन में सिलेबस कम किया गया है चीजें याद हो सकती हैं यदि आप अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करके चलेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है जितना इस पेपर को समझा जाता है जरूरत है आपकी रेगुलरिटी की आपकी सिंसियरिटी की आपकी लर्निंग की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न प्रैक्टिस की ठीक है तो आज जरूर कर लीजिएगा और जितना अब तक कवर किया है मेन बुक में से रीड करना है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है लर्निंग करनी है और अब हमारी मुलाकात होगी मंडे और कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के साथ आगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही कोई डाउट है तो बताएं अदरवाइज फिर मुलाकात करेंगे मंडे को जी एनी डाउट ना एल्डाइन की स्ट्रीम पर कोई डाउट है ना ही अराइड की स्ट्रीम पर कोई डाउट है तो ठीक है फिर थैंक यू वेरी मच गुड बाय